हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह टाइम हो गया है, उठ गए हूँ मैं। दोनों पापा बेटे सोने लग रहे हैं और जब ये सोचते हैं ना ठंड गई तभी ठंड आ जाती है, पता नहीं कैसे। टाइम 7 बजे अभी, तो हमारा आज बाहर जाने का प्लान, तो इसलिए मम्मी है नहीं कि हमें घर पर रहे, मम्मी को लेके ही जाना पड़ेगा और जाना भी ज़रूरी है, तो फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ जो खा। ये देख लो, मतलब जब ऐसा लगता है ना कि हाय ठंड मतलब गई, तब देख लो यार, मतलब इतनी धुंध, इतनी धुंध है भगवान। 7 या 7:30 का टाइम हो चुका है, अभी भी इतनी धुंध है। मुश्किल से एक दो काम करा है, आटा बनाया है, इतने सोचा दाल के पराठे बना लूंगी, इतने में उठ गए। तो बाहर ना सारे काम निपटाए, झाड़ू पोछे वाली मतलब मेड आ गई थी, झाड़ू पोछे उन्होंने कर दिया, मैंने रोटी मतलब दाल के परांठे बना दिए और यहाँ पे अम्मू को नहला दिया मैंने, और अब इसको जो है ना कपड़े पहना रही हूँ। हाँ जी, बॉडी दिखा दो अपनी, सबको बॉडी दिखा दो, बॉडी दिखा दो। तो अम्मू को यहाँ पे सुला दिया है। इतना टाइम लग जाएगा मैंने सोचा नहीं था, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, कपड़े निकाल लेंगे। तो गाइस एमू फुल रेडी हो चुका है। हाँ बेटा, फुल रेडी हो, और इधर ही चल रहा है इनका ब्रेकफास्ट, मैंने तो कर लिया था, ऐसे बारी बारी करना पड़ता है बच्चे होने के बाद भी, है ना? नहीं, हमारा बच्चा सीधा हम साथ में भी कर लेते हैं, पर आज थोड़ी जल्दी है ना। मुझे मस्ती चल रही है, बस निकल रहे हम लोग, और यहाँ पे ना मैंने सारी पैकिंग कर ली है, जो अपना खाने पीने का सामान बना लिया पूरे दिन का। बाहर निकल के उस समय, हाँ चले चले, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, ये देखो। और ना बहुत टाइम बाद आज मैंने और मितु ने ना ट्यूनिंग करी है, पर्पल और ब्लैक की दिखाना, पर्पल और ब्लैक, और ये अपने पापा के पास पर्पल येलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, अपना स्किन केयर रूटीन। आप लोग भर भर के कमेंट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम चाहे वो यूट्यूब हो, कि आपकी स्किन इतनी शाइनिंग कैसे, इतनी ग्लो कैसे करती है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे को टाइम मिले आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं कि भाई मैं क्या यूज करती हूँ। आपको पता है दिसंबर मंथ, जनवरी और नवंबर सारे फेस्टिवल से भरा होता है, वेडिंग से भरा होता है, फेस्टिवल हो चाहे वेडिंग सीजन हो, कुछ भी हो, मतलब ये वाला पूरा पैक होता है कि हाँ भाई ये तो हमें मतलब वेडिंग है, शादी है तो भी हमें बाहर जाना है। और स्पेशली लड़कियों को, आपको पता है लड़के तो भाई कैसे भी तैयार हुए और निकले, बट हम लड़कियों को यार थोड़ा तैयार होना पड़ता है, मेकअप भी करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं अपना जो है स्किन केयर के बारे में बताऊंगी, तो ये वीडियो स्पेशली मेरी फीमेल ऑडियंस के लिए है जिनको हेल्प हो जाएगी। मेरी तरफ से अगर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में एक या दो बार तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो पर कुछ नई नई ऑडियंस भी कनेक्ट होती रहती है टाइम टू टाइम। आपको पता है जब भी हमें शादी में जाना, बर्थडे पार्टी में जाना, या कोई भी दिवाली कुछ भी फेस्टिवल अगर आ रहा है, आपको पता है हमें तो तैयार होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, राइट? क्योंकि यही वाला सीजन होता है जिसमें हमारी जो स्किन है सबसे ज्यादा ड्राई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कितना भी महंगा प्रोडक्ट यूज कर लो, मेकअप कितना भी महंगा आप यूज कर लो, बट जब तक आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं है, अच्छे से हाइड्रेट नहीं है, तो जो एक फ्लॉलेस जो होता है ना आपके फेस पे, वो नहीं दिखेगा। मैं तो ये आपको बोलूंगी कि मेकअप करने से पहले भी स्किन केयर करना मस्ट है, चाहे आप किसी भी टाइप का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, मेकअप यूज कर रहे हो, पर स्किन केयर करना मस्ट है। मेरे जो क्योर स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ईटिंग द राइट फूड, राइट फ्रूट्स, मतलब हमें जो भी खाना है ना, वो हमें मतलब उस तरीके की चीजें खानी है जिससे हमारी स्किन ज्यादा से ज्यादा मतलब फ्लॉलेस लगे, ज्यादा ग्लोइंग लगे। जैसे कि अभी समर सीजन आ रहा है, आपको पता है, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ आपको समर सीजन में ही मिलेंगे। ये सारी चीजें ना अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करना है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तब उन्होंने मुझे ये सारी चीजें रिमाइंड कराई, उनके साथ जो कंसल्टेशन था, तो उन्होंने मुझे कुछ जो है चीजें सजेस्ट करी। जैसे कि अभी उन्होंने मुझे पीरू फ्रूट्स जो है खाने के लिए उन्होंने जो है मुझे सजेस्ट किया है। तो आपको पता है क्योंकि ये सिर्फ मतलब ठंडी वाले सीजन में ही ये वाली चीजें आती हैं, और ये जरूरी है कि आपकी जो अंदर की
इंटरनली जो स्किन है ना वो ज्यादा अच्छे से रहे, ज्यादा सही रहे, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे आउटसाइड। सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से जो है आपकी स्किन जो है सही नहीं होती है, राइट मॉइस्चराइजर लगाना भी मैंडेटरी है। लास्ट आपको व्लॉग में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही सजेस्ट किया था कि आप चाहे ना कितना भी महंगा प्रोडक्ट लगा लो, कितना भी महंगा आप मेकअप लगा लो, बट अगर वो आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो वो आपको बहुत ज्यादा परमानेंट जो है वो सॉल्यूशन नहीं देता है। तो यही सेम सिमिलर मॉइस्चराइजर भी करता है। लाइक अगर आप राइट आपकी स्किन ऑफ टाइप वाला अगर आप मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हो तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और हाइड्रेट रखता है, एंड दोबारा से वो ड्राई पैची और थोड़ा वो खिंची खिंची वाली स्किन आपको फील होगी। फिर जब हम मेकअप करते हैं तो वो अगर ड्राई स्किन है तो वो आपके मेकअप पे भी ना वो रिफ्लेक्ट करता है। हम लड़कियां ना अपने स्किन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, नॉट इवन स्किन, हेयर, अबाउट एवरीथिंग बहुत ज्यादा हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं चीज के लिए। और विंटर के टाइम में तो हमें अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो क्योर स्किन के डॉक्टर से आप बात करके देखिए, ये 24/7 अवेलेबल है। आप एक बार उनसे ऐप को डाउनलोड करके आप एक बार उनसे बात करके देखिए, आप उन्हें अपने स्किन कंसर्न और स्किन टाइप आप उन्हें बता सकते हो, एज पर योर स्किन प्रॉब्लम वो आपको सजेस्ट करेंगे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किट। तो अगर जब आप किट जो है वो परचेज करते हैं तो उसका प्राइस है 1499, और जैसे ही आप वो किट परचेज कर लेते हैं तो मंथली आपको फ्री में उनका जो है कंसल्टेशन मिलेगा, एनी टाइम आप उनसे चैट कर सकते हैं, जिसका कोई भी आपको फी पे नहीं करना है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। और सबसे अच्छी चीज है कि डाइट प्लान भी आपको मिलेगा। नॉर्मली भी अगर आप कहीं पे मतलब कहीं से भी ज्वाइन करते हो ना, खाली डाइट प्लान उसका भी इतना ज्यादा हाई चार्जेस रहता है, बट ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। सिर्फ आपको ना किट का प्राइस पे करना है जो कि है 1499, ये ओरिजिनल प्राइस है। पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, मेरा कूपन कोड है स्वामी300, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 300 का। पर ये डिस्काउंट पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए ही अवेलेबल है, विच इज वेरी ग्रेट डील। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं कहती हूँ जरूर आप एक बार जरूर ट्राई करें, और जिन्होंने ट्राई किया है ना प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिसने ट्राई नहीं किया है अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ यार, आप लोग ट्राई करो, बहुत बेस्ट है। तो ऐप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। लिंक पे क्लिक करते ही आप ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, तो जल्दी से जाइए, जिसने डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिए। बाय बाय। सुबह उठी ना तो इतनी ज्यादा धूप लग रही थी, बहुत ही ज्यादा, कि पता नहीं कितनी ठंड होगी। और अभी ना बिल्कुल नॉर्मल डे हो गया, बहुत तेज धूप है, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही। और एमओ इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है, बाहर देख रहा, कभी अंदर हो, कभी आगे जा रहा, कभी पीछे जा रहा है। कई दिन बाद निकलो ना मेरी गुड़िया। आपने सबको नमस्ते करी? नमस्ते करी क्या है? नमस्ते कर दो सबको। और भाई हम दिल्ली जाएं और हमें ट्रैफिक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप देख लो एक बार पूरा का पूरा, ये मजे है दिल्ली के। इस फ्लाइट ने सारा ट्रैफिक रुकवा रखा है, देखो ये लाइव पकड़ी गई अभी की अभी। ये तो मेरा ना फुल फ्लैश प्लान था कि मैं ना आराम से सो जाऊंगी और इसको भी सुला दूं, क्योंकि मोस्टली ना ऐसा होता था कि ये गाड़ी में सो जाता था, पर अब ना ये चीजों को पकड़ने लगा, मतलब समझने लग गया चीजों को। अब पता नहीं ये बाहर क्या देख रहा है, इतनी गाड़ियां चल रही है, ये तब से इसकी एनर्जी लो नहीं हुई, निकलने के बाद एक बार दूध पिया इसने और तब से ऐसे ही देखो इस पोजीशन में है। ब्लैंकेट लेके आई थी, एक तो भाई ठंड वंड हो जाए तो उसमें जैसे भी फिर ऐसे अगर गाड़ी में लेके बैठो ना तो कम्फर्टेबल रहता है, तो कभी तो पीछे वाली बेल्ट को पकड़ रहा है। आपके बारे में बात हो रही, शिकायत लगा रही है आपकी। और कभी हाँ बाहर देखना है, बस बाहर देखना है। अभी लेने आए थे मिठाई, तो मिठाई ले ली है हमने मनोहर स्वीट से, और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा हमारा, देख लो आप। तो गाइस पहुंच गई थी मैं, और यहाँ पे चल रहा है कलरिंग, कौन सा कलर कराऊंगी, क्या हेयर कट रहेगा वो आपको लोग के एंड तक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी पूजा मैम? नेल पेंट, परमानेंट नेल पेंट, एक्सटेंशन नहीं करा रहे। ये भैया भी आ गए हैं, भैया चश्मा उतार दीजिए, चश्मा तो उतारिए। तो भैया लेके आए रैप, क्योंकि हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं ना,
तो खाएंगे हम लोग थोड़ा हेल्दी हेल्दी पनीर रैप। आज तो डाइट पे हूं। येलो येलो हो गए, कहाँ जाओगे, क्या प्लान है? बस कुछ अच्छा उसी के साथ है क्या? ठीक है ठीक है ठीक, पूजा को नहीं बताएंगे। यहाँ पे चल रहा है मेरा ये कलरिंग का, पता नहीं क्या क्या ही लगा रहे हैं, फाइनल दिखाऊंगी बाद में। तो यहाँ पे अभी जो है ये वाला तो मैंने करवाया है नेल्स पे, और अभी हो रहा है फाइनल, दिखाऊंगी हम भी करवाने के बाद। और यहाँ पे आ गए पति देव जो भी करवा रहे हैं अपनी थ्रेडिंग, जो कि पूजा से ही करवाते हैं इस ओर से। नहीं आपसे बताना कैसा लग रहा है। और हेयर कट मैं नहीं ले रही क्योंकि पूजा ने मना कर दिया, हालांकि मैं पूरा मन बना के आई थी मैं इतना करवा के जाऊंगी, पर ये हर बार मैंने भी अब एक्सटेंशन लगवा ली ना, तो मैं नहीं चाहती कि आपके बाल छोटे लगे और मेरे ज्यादा लंबे लगे, तो इसने मना कर दिया। तो बाल का बिल्कुल भी टच नहीं करवाया, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है बहुत, पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ना लाइट ना डार्क। थैंक यू। ये देखो भाई ये वाला हेयर कलर, और अब मैं जा रही हूँ बस पूजा, बाय थैंक यू, और जल्दी मिलेंगे हम लोग। वापिस निकल लिए हैं और शाम हो गई थी, बस इसी में करते 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 करते, और इतना ट्रैफिक मिल रहा है अभी भी, जाते जाते ना हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसकी मस्ती खत्म नहीं हो रही। एमओ पूरा बस ऐसे हो रहा है शीशे से बाहर निकल जाऊं। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो आप? गाइस मुझे बाहर नहीं देखने दे रहे, कहना चाह रहा है कुछ, कुछ बोलो कैमरे में, कुछ बोलो, हेलो बोल दो, हेलो गुड इवनिंग। मैं सीट चेंज करता रहता हूं, अपने पापा के पास चला गया अपने। तो हम लोग ना घर पहुंच गए थे, और अब एमी जो है फुल मस्ती में हो रखा है। एमओ बेटी सबको बता दो पहुंच गए, बता दो हम पहुंच गए घर पे, बता दिया भाई मेरी बेटी ने। हाँ और आप लोगों को मेरा हेयर कलर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। लेंथ मैंने नहीं कटवाई, लेंथ उतनी है जितनी थी, बिल्कुल भी टच भी नहीं कर। सोने जा रहे थे तो मुझे लगा कि आप लोग कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोगों का जवाब मुझे देना चाहिए सवालों का। तो जो कमेंट आपके ज़्यादातर आ रहे थे ना कि हम एक दूसरे से चिड़ो हो, मतलब मेरे देवरानी और मतलब मेरे बारे में देवरानी जेठानी एक दूसरे से चिड़ो हो, देख कर राजू को ना आप वहाँ जाओ तो वहाँ मुँह चढ़ा ले है, अरे वे यहाँ ना आते ये वो फलाना दिखड़ा, तो इसी कोई बात को नहीं, पहले सिचुएशन अलग थी, सिचुएशन अलग है, बहमी हो गए तो मम्मी 8 महीने तक यहाँ रह रही है, इब गई है 2-3 दिन के लिए। और दूसरी चीज़ यार मुझे लगता है चिड़न वगैरह लड़ाई या एक दूसरे को पसंद ना करना वो चीज़ें वहाँ होती है, जब बंदा एक घर में रहता है ना तब बर्तन खड़कते हैं, लड़ाई होती है, तो हमारा रिलेशन ना वैसा नहीं है। मैं रिलेशन में जैसे रिलेशन में घर में रिश्ते में पड़ी हूँ उससे, तो उस नाते मतलब है जाते हैं तो अच्छे से बात बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं, खूब सारे गप्पे करते हैं टाइम मिलता है तो, अदरवाइज आपको पता ही है मैं बहुत कम टाइम के लिए ही वहाँ जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, इतनी मतलब नेगेटिविटी मत सोचा करो। और हाँ एक चीज़ और कि तू इतनी बेशरम है, वाह इतनी सिद्धि है, सिंपल लुक में भी बढ़िया लग गया, तो लग गए भाई की बात होगी। अरे रही मेरे बेशरमपणे की बात, तो भाई मैं शुरू से ही नूं पैरू हूं, नूं थोड़ी ना है कि मैं इबे पहन लग गई हूँ, अरे या किसी और ने देख कर मैं खुद ने चेंज कर लूँ, अच्छा फलानी सूट पहन रहा है अच्छा तो मैं भी सूट पहन लग जाऊँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मेरे को किसी को देख के किसी को कॉपी करना वो सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है भाई। मैं जैसी हूँ, मैं निक्कर पहनती हूँ तो मुझे निक्कर पहनना पसंद है, मैं शुरू से पहनती हूँ, या आप लोगों के कुछ गलत कमेंट करने से तो मैं चेंज वाली नहीं हूं। तो यार किसी के बारे में ना इतना नेगेटिव मत बोला करो, इतनी बार मैंने बोला था किसी को सूट पहनना पसंद है, किसी को जींस पहनना पसंद है, किसी को शॉर्ट्स पहनना पसंद है, और दूसरी चीज अलाव की भी बात हो जाती है यार कि पहनने का मन मुझे नहीं लगता। आज के टाइम में कोई भी लड़के जिसका मन ना करता होगा ऊपर ले मन तब कह दे हाँ मेरा मन को नहीं करता, तो इसी कोई छोरी ना जिसका मन ना करता हो, मन सबका करे है पर भाई किस्मत अपनी अपनी हुआ है यार, तो उसमें ये कमेंट करना कि भाई वाह सूट पहन रहा है तू यो पहन रहा है, तो वो ना एक माइंड से निकाल दो। स्टार्टिंग से हर एक चीज़ आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते आ रहे हैं यार कि ये चीज़ ऐसे ये चीज़ ऐसे ये चीज़ ऐसे है, फिर भी आप लोग ना उन चीज़ों में भी ना ऐसी नेगेटिविटी ढूंढते हो कि अच्छा ये ऐसे कर रही है वो ऐसे, वो तो बेचारी मतलब उसको तो एक बेचारी का रोल दे दिया, और मेरे को बहुत ही हार्ड कोर लड़की की मतलब मैं तो बहुत बेकार हूँ, मेरे को संस्कारों का नहीं पता, मेरे को क्या संस्कार नहीं पता, मेरी शादी को अभी 3 साल होंगे, एक तो बालक कर लिया ठीक है, अपने बढ़िया हस्बैंड वाइफ बढ़िया प्यार तरह
लाग रहे गेला पहला मम्मी ना रहा करते तने देख कर अज्जी को नहीं नू को नहीं वो को नहीं फलाना को नहीं तू गाम को नहीं जाती वे तेन बुलाते मतलब पता नहीं कितनी सारी बातें बोली आप लोगों ने फिर भी मैंने इग्नोर किया। एक तो 8 महीने तो मम्मी भी रहे हमारे गेला खूब खुश तो रहा कदे कोई लड़ाई नहीं किसी चीज़ की। तो बिना किसी ने जाने ना उसके फेस थे उसके कपड़े थे जज मत किया करो प्लीज आप तो रिक्वेस्ट है। और अगर आपने मेरे सच में व्लॉग पसंद ना होना और आपने लगा कि कुछ वैसी चीज आपको लगता है कि गलत सीख आपको मिल रही है तो बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे प्यार करने वाले और जो मेरी फीलिंग समझते मैं किस थिंकिंग की वो बहुत है ना। तो आप लोगों की मुझे ना उसकी जरूरत नहीं है ज्ञान की, अपना ज्ञान अपने पास रखो। थैंक यू सो मच, बस यही था। बहुत थक गया आज पूरा दिन। और आप लोगों का वैलेंटाइन पे क्या प्रोग्राम है, क्या करने वाले अपने लव वन के साथ, कहाँ जाने वाले जरूर बताना कमेंट में। क्या बताओ लोगों का कोई अच्छा सजेशन, मेरे काम भी आ जाए, मैं भी कुछ वैसा करूँ। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।